शुक्रवार का राशिफल में आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। मेष राशि वाले जातकों, आज कुछ समस्याओं के चलते आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। काम की अधिकता के कारण शारीरिक थकावट महसूस होगी। व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ा जोखिम ना उठाएं, बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में कुछ बातों को लेकर आपसी मतभेद बन सकता है। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातकों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य की अधिकता के कारण भागदौड़ अत्यधिक हो सकती है, लेकिन दिन अच्छा रहने वाला है। कहीं से बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है, साथ ही कोई नया काम आज आपको मिल सकता है। परिवार में पत्नी और बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। घर में मांगलिक कार्य और खुशनुमा माहौल रहेगा। बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि वाले जातकों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं, जिसका अच्छा परिणाम आगामी समय में आपको प्राप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है। बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों की। कर्क राशि वाले जातकों, आज व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, साथ ही कोई बड़ी धन हानि हो सकती है। कोई भी लेन देन सोच समझ कर करें। किसी अपरिचित व्यक्ति को बड़ी धनराशि उधार ना दें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मौसमी बीमारियों की चपेट में आप और आपका परिवार आ सकता है, इसलिए सेहत का बहुत ध्यान रखें। आगे सिंह राशि वाले जातकों, आज आप स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से परेशान रह सकते हैं, जिस कारण शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है। व्यापार व्यवसाय में आज कोई बड़ा परिवर्तन ना करें, साथ ही अपने पार्टनर से व्यवहार अच्छा रखें, नहीं तो आपका बनता काम बिगड़ सकता है। परिवार में कुछ बातों को लेकर पत्नी पति माता पिता के बीच कुछ झगड़ा हो सकता है, यह आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा। आगे छठवें नंबर की राशि कन्या राशि के विषय में चर्चा करेंगे। कन्या राशि वाले जातकों, आज आप कोई नया कार्य शुरू करने का मन में विचार बना सकते हैं। इस बात को अपने मित्रों और परिवार के लोगों से शेयर करने से आपको बड़ी मदद मिल सकती है, साथ ही आपका प्रयास सफल होगा। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। वाहन आदि से चलते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। आगे सातवें नंबर की राशि पर बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों, आज अपने परिवार के किसी डिसीजन से परेशान रह सकते हैं। इस डिसीजन का आप पर थोड़ा सा बुरा असर पड़ सकता है, साथ ही नौकरी आदि में अपने बड़े अधिकारियों से विवाद हो सकता है, जिस कारण मन अशांत रहेगा। वाणी पर संयम रखें, वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें। आठवें नंबर की राशि वृश्चिक राशि के विषय में बात करेंगे। आज आप किसी बड़ी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा आदि में अपने सामान की हिफाजत करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। यात्रा आदि में बाहर के खान पान से मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। अच्छा होगा अपने साथ स्वास्थ्य को ठीक बनाने के लिए मेडिसिन जरूर रखें। परिवार में कोई पुराना विवाद उभर कर सामने आ सकता है, इसीलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध से बचने का प्रयास करते रहें। आगे बात करेंगे नौवे नंबर की राशि धनु राशि के विषय में। धनु राशि वाले जातकों, आज कुछ सामाजिक विवाद के कारण आप अपने ऊपर दबाव महसूस करेंगे। गलती ना होने पर भी आपके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है, सावधान और सतर्क रहें। विरोधियों से व्यापार व्यवसाय में बड़ा उलटफेर करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। समय को देखकर शांत रहें। पत्नी के स्वास्थ्य बिगड़ने से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। आगे बात करेंगे दसवें नंबर की राशि मकर राशि के विषय में। मकर राशि वाले जातकों, आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई पुराना रुका हुआ काम आज फिर से शुरू हो सकता है, जिस कारण मन में प्रसन्नता रहेगी। साथ ही किसी नए कार्य की योजना पर आप अपने मित्र और पार्टनर के साथ मिलकर बात कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा।
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज कोई नया वाहन या मकान का सौदा कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक और शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। आगे 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि वाले जातकों, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है, जिस कारण आपके व्यापार व्यवसाय में बड़ा लाभ का योग भी दिख रहा है। साथ ही कोई नया अपना स्वयं का कार्य आज अब शुरू कर सकते हैं। परिवार में सुखद समाचार प्राप्त होगा। पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर यात्रा पर जा सकते हैं। बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों की, 12वें नंबर की राशि है। मीन राशि वाले जातकों, आज आप स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं। मौसम के हिसाब से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधी गिरावट देखने को मिलेगी। आज व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ी डील आपके हाथ से निकल सकती है, जिस कारण मन उदास रहेगा। आज अपने जीवन साथी लव मैट के साथ किसी देवता या किसी धार्मिक स्थान पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। वाहन आदि को चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखें, मन में शांति बनाकर रखें। ये रहा मित्रों मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले जातकों का आज के दिन का पूरा राशिफल जो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बात करते हैं आज के उपाय के विषय में। आज के उपाय में आपको भगवान शिव के मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक, एक नारियल, एक लाल फूल और एक सिक्का भेंट के रूप में अर्पण करना है और भगवान से आज का पूरा दिन आपके लिए अच्छा बने रहे, इस बात की कामना के साथ भगवान से प्रार्थना करना है। जय महाकाल, हर हर महादेव।